हाँ भाई, वेलकम टू चिकोवर्ड। देखिए, आप सभी को पता है कि वीडियो एग्ज़ाम जो हम लोगों का लगा हुआ है कब, 22 और 23 दिसंबर को। ठीक है, तो एग्ज़ाम कैसा है? ऑफलाइन है। ठीक है, क्या है एग्ज़ाम आपका? ऑफलाइन है। तो मैं फिर से वही एक बात दोहराऊंगा, और हर बार मैं एग्ज़ाम से पहले दोहराता हूँ कि ओमार सीट भरते समय बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, किसी भी प्रकार की त्रुटि जो है ओमार में नहीं मान्य है, ये आपको पता है, और इस तरह की कोई भी जो है गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, देखिए, मैंने यूपी पुलिस में भी बहुत सारे लोगों को 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बताया था कि आप ये सब गलतियां नहीं करेंगे, फिर भी बहुत सारे लोगों ने गलती भी की, फिर मुझे सॉरी भी बोला कि सर गलतियां हो गई। तो देखिए, उन लोगों का रिजल्ट भी नहीं आया यूपीपी में। ठीक है, तो ऐसी कोई गलती आपको नहीं करनी है वीडियो एग्ज़ाम में। दूसरी बात क्या है कि एग्ज़ाम में आपको एक बात याद रखनी है कि ओमार सीट को बिल्कुल क्लियर भरेंगे, बिल्कुल भी कहीं ना कोई कट करना है, किसी तरह की ओवर राइटिंग नहीं करनी है। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश ओमार सीट आपको भरना है। पेन जो आपको यूज़ करना है, बॉल पेन यूज़ करना है, और सिर्फ ब्लैक लेके जाइएगा, ब्लू पेन मत ले जाइए, ब्लैक ले जाइए, उतना ही अच्छा होता है ब्लैक पेन। और किसी अच्छी कंपनी का ब्लैक पेन लीजिएगा जो आराम से आपकी ओमार सीट जो है फिल करे। ठीक है, देखिए, बात करते हैं हम लोग परीक्षा की। तो देखिए, ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा है, और देखिए अधिकारी लेवल की परीक्षा अगर है तो आपको जो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो इजी और टफ दोनों मिलेंगे देखने को। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते सिर्फ इजी प्रश्न मिलेंगे, और आप ये भी नहीं बोल सकते कि सिर्फ टफ क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों लेवल के आपको क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए, परीक्षा जो है 2 दिन में, ठीक है, एक आपकी है 22 को, एक आपकी है 23 को, यानी सेम यूपी पुलिस वाला प्रोसेस है। 2 दिन एग्ज़ाम आपके हो रहे, दो और दो शिफ्ट में भी हो रहे। फर्स्ट शिफ्ट जो आपकी है 10 से 12 की है, और सेकेंड शिफ्ट जो आपकी है 3 से 5 बजे की है। ठीक है, तो दो शिफ्ट में एग्ज़ाम है आपके लगे हुए हैं दोनों ही दिन, और आपको 2 घंटे पहले बुलाया है। ठीक है, तो आप जितना भी आप लोग सब अच्छे से पहुंचिएगा, बिल्कुल भी समय लेकर पहुंचिए, एग्ज़ाम में देर मत करिएगा, हो सके तो जल्दी पहुंच जाइए, देर में मत पहुंचिएगा। ठीक है, तो ये जो कॉमन सी बातें वो आपको याद रखनी है। दूसरी बात क्या है कि प्रश्नों की संख्या आप सबको पता ही होगी 150 है, यानी आपको प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 2 नंबर का। ठीक है, 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सॉल्व करने को मिले जाएंगे, और प्रत्येक सब्जेक्ट का जो नंबर है वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न का जो नंबर मैंने आपको बता ही दिया है कि 2 है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और एक प्रश्न गलत होने पर आपका आधा नंबर काट दिया जाएगा, यानी एक प्रश्न जो आपका 2 नंबर का है, अगर एक गलत करते हैं आप तो उसमें 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत हार्ड मार्किंग है, ये आपको याद रखना है। मोस्टली आप उसी को सॉल्व करें जो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता हो। ठीक है, देखिए, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो 3 देखने को मिलने वाले हैं। एक आपको मिल रहा है सामान्य हिंदी, दूसरा आपको मिल रहा है सामान्य अध्ययन, और तीसरा आपको मिल रहा है सामान्य बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो देखिए, सबसे प्लस पॉइंट इस बार जो आपका इसमें एग्जाम में निभाएगा वो है हिंदी। देखिए, जिन लोगों की हिंदी स्ट्रांग है, और मोस्टली मुझे लगता है कि हिंदी लोगों को आती है, तो हिंदी से ही पेपर को स्टार्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए सभी जो एग्ज़ाम में जो पोर्शन है 50 नंबर, यानी 50-50 क्वेश्चंस के हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन क्या है 50 हैं, सब में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हिंदी के भी आपको 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होंगे, इसमें भी आपको इजी और टफ दोनों देखने को क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, देखिए, सबसे ज़्यादा हिंदी में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपका है, जितना भी हिंदी जो है आपका साहित्य। ठीक है, साहित्य से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, जैसे कि जितने भी रचनाकार हैं, किस युग के हैं, किस काल के हैं, इनके गुरु हैं, शिष्य हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हिंदी में। तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, मैंने वीडियो आपको जो प्रोवाइड करी आप उनको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने लगभग ऐसे ही क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए, और ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, पत्र लेखन जैसी बात की जा रही है, देखिए, तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसमें मैं आपको जो आपका विराम चिन्हों का आपका यूजर्स देखा जा सकता है, कहाँ पर गलत लगा है या कहाँ सही लगा है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हिंदी में। ठीक है, तो हिंदी आपका प्लस पॉइंट निभाएगी। तो ठीक है, हिंदी को सॉल्व करेगा स्टार्टिंग में सबसे पहले, और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, जो भी आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट हो आप वहीं से एग्जाम को स्टार्ट करिए। ठीक है, तो हिंदी को आप स्टार्ट करिए हिंदी से, फिर आपको इन दोनों में जो भी आपको सही लगे, आपको सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी आपको रीजनिंग अच्छी आती है तो आप रीजनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपको सामान्य अध्ययन आपका अच्छा है तो आप इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, आपको हिंदी का मैंने बता दिया कि आपको ये सब पोर्शन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, जो भी हिंदी के राइटर हैं उनकी जन्मस्थली और जो भी उनकी जो मतलब रचनाएँ हैं या जितना कुछ है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आपको क्वेश्चन छोटे देखने को मिले।
मिलेंगे। ठीक है, सामान्य अध्ययन की बात करें देखिए तो आपको यहाँ पर सामान्य अध्ययन में जीके बहुत अच्छा मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको करंट अफेयर मिल रहा है तो आपको यूपी जीके भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यूपी जीके को आप जो है प्लस पॉइंट आपका निभाएगा, क्योंकि आपने देखा है अधिकारी लेवल में मोस्टली यूपी का जीके बहुत अच्छे से पूछा जाता है। अब तो यूपी पुलिस में भी पूछा गया था, तो यूपी का जीके बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यूपी जीके में आपको बता दूँ, जैसे भी जितने फेमस लोग रहे वो सब वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करी, जितने भी फेमस लोग हैं यूपी पुलिस की वीडियो है उसमें भी आप जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल को अच्छे से पढ़िए, हिस्ट्री को पढ़ लीजिएगा ठीक ठाक, हिस्ट्री भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आपके साइंस के भी दो चार क्वेश्चन तो शॉर्टली देखने को मिलेंगे, मोस्टली बायोलॉजी के। ठीक है, साइंस अगर आपको पूछी जाएगी तो बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और यहीं पर आपको कंप्यूटर के भी दो से चार क्वेश्चन देखने को शॉर्टली मिलेंगे, क्योंकि इस एग्जाम में ट्रिपल सी अनिवार्य करा गया है। तो सिंपल सी बात है, जब ट्रिपल सी अनिवार्य है तो आपको यहाँ पर जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देख कर चलना है, इससे बेस बना के चलेंगे तो आप आराम से जो पेपर को वेट करेंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण में देखें रीजनिंग आपको इजी टू टफ दोनों मिलेगी। ठीक है, आपके लिए जो समय टेकिंग जो होती है, टाइम टेकिंग जितनी भी रीजनिंग होती है वो भी आपको देखने को मिल सकती है, इजी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि आप जैसे कोई ऑप्शन आपके दो आपको लग रहा है, इन दोनों में आपको प्रॉब्लम है, चार ऑप्शन होते हैं तो आपको लग रहा है कि या तो दूसरा सही होगा या तो तीसरा सही होगा, तो ऐसे में आप क्या है थोड़ा रिस्क ले सकते हैं कि हाँ चलिए हमको लग रहा है तो हम इसको टिक कर दें। और ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग जो है थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर चारों क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं अनसीन पैसेज तो उसमें आप जो है रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा गलत उस पर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मोटी मोटी बातें आपको एग्ज़ाम देते समय याद रखनी है। ठीक है, मैंने पहले बता दिया ओमार सेट में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, इन प्रश्न इनको कैसे हल करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। और सभी को शुभकामनाएं हैं, सब अच्छे से पेपर दीजिएगा, बहुत अच्छे से बिल्कुल आराम से संयम से आराम से समय से पहले पहुँचिए। सबको जीके वर्ल्ड जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जीके वर्ल्ड से सबको शुभकामनाएँ हैं, और सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा अपनी आई डी जो भी आपको लेनी है, एडमिट कार्ड जो लेना है सब कुछ लेकर, मोस्टली दो आई डी लेकर जाइएगा, आपके पास पैन कार्ड है तो वो लेकर जाइए, आपके पास आधार कार्ड है तो वो भी लेकर जाइए, मोस्टली दो आईडी लेकर जाइएगा, क्योंकि आजकल एग्जाम में दो आईडी का काम ही चल रहा है। ठीक है, तो दो आईडी ले जाइए, अपने एडमिट कार्ड को अच्छे से रखिए, और मार्कशीट को भरने में बिल्कुल भी गलती मत करिए, एग्जाम के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब बातें आपको वीडियो एग्जाम के समय याद रखनी है। आई होप आपको ये बातें अच्छी भी लगेंगी और समझ भी आएंगी, तो जितना हो सके शेयर करिएगा वीडियो को, क्योंकि ये बहुत काम की वीडियो है, और ये सब अगर आप बना के जाते हैं पहले से रणनीति तो आप बहुत आराम से एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, सभी को शुभकामनाएं हैं, सब अच्छे से पेपर दीजिएगा, हम जल्द ही आपके लिए कोई अच्छी वीडियो लेकर मिलते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।